हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे 3D शेप्स यानी कि त्रि आयामी आकारों को कैसे बनाया जाता है। अब हम जानते हैं कि ठोस आकार विभिन्न दिशाओं से कैसे दिखाई देते हैं, जैसे कि एक मकान विभिन्न दिशाओं से भिन्न दिखाई देता है, जैसे ऊपर से देखने पर, पार्श्व या साइड से देखने पर और सामने से देखने पर। लेकिन एक ठोस आकृति का चित्र बनाने के लिए हमें इसके विभिन्न दृश्यों के बारे में पता होना आवश्यक होता है। जैसे हम डाइस के सभी फलकों यानी कि फेसेस को एक साथ नहीं देख सकते हैं, एक समय पर हम एक फेस, दूसरा फेस या तीसरा फेस ही देख सकते हैं, सभी सिक्स फेसेस नहीं। अब देखते हैं कि एक डाइस का चित्र कैसे बनाया जाता है, यानी कि पेपर पर एक डाइस का 3D मॉडल कैसे बनाया जाता है। यदि हम एक वर्ग या स्क्वायर बनाते हैं तो ये डाइस का एक फलक ही दर्शाता है, लेकिन इसमें गहराई या ऊंचाई नहीं है। गहराई या ऊंचाई दर्शाने के लिए हमें दूसरे फेसेस भी बनाने होंगे। तो जो हमने बनाया था वह डाइस का सामने का फेस था। अब हम डाइस का पीछे का फलक बनाते हैं, जो कि दूसरा फलक है, जो कि समान आकार का एक और वर्ग है। तो हम समान आकार का एक और वर्ग पहले वाले वर्ग के पीछे बनाएंगे, दूसरा वर्ग पीछे का फलक होगा। इसी चित्र में दिखाए मुताबिक पहले वाले वर्ग से थोड़ा ऊपर और थोड़ा सा खिसकाकर बनाएंगे, जिससे ये पहले वाले वर्ग से अलग दिखाई दे। तो यहां हमें घन के दो फलक दिखाई दे रहे हैं, सामने का फलक और पीछे का फलक। अब हम यहां पर घन के सभी 8 कॉर्नर्स देख सकते हैं, जो कि ब्लू डॉट्स द्वारा दर्शाए गए हैं। चलिए अब सामने के और पीछे के सदृश यानी कि करस्पॉन्डिंग कॉर्नर्स को सीधी रेखा से जोड़ देते हैं। तो आगे और पीछे के सभी कॉर्नर्स को जोड़ने के बाद ये इस तरह दिखाई देता है, लेकिन वास्तविकता में हम सभी फलकों और किनारों को एक साथ नहीं देख सकते हैं। डाइस को इस ओर से देखने पर हम पीछे का भाग नहीं देख सकते हैं, इसलिए इसे ज्यादा वास्तविक दिखाने के लिए हम जिस भाग को नहीं देख सकते हैं उसके किनारों को डॉटेड लाइन से दर्शाते हैं। अब हम एक और फलक नहीं देख सकते हैं, जो कि बाईं ओर है। तो चलिए इस किनारे को भी डॉटेड लाइन से दर्शाते हैं। इसे और वास्तविक रूप देने के लिए हम किनारों को हटा भी सकते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं। इसका मतलब ये है कि जिन किनारों को हमने डॉटेड लाइन से दर्शाया है उन्हें हम हटा देंगे, और इस तरह हम पेपर पर एक घन या क्यूब का 3D मॉडल बना सकते हैं। अब यदि हमें बस या पेंसिल बॉक्स या बिल्डिंग और कई और चीजें बनाने के लिए हमें घनाभ या क्यूबॉइड्स बनाना होता है, ये ऊपर और नीचे से एक आयताकार यानी रेक्टेंगल दिखाई देता है। इसके सभी फेसेस रेक्टेंगल हैं। लेकिन यदि हमें इसे सही तरीके से बनाना हो तो इसमें हमें गहराई या ऊंचाई दर्शानी होगी, जो कि 2D और 3D शेप के बीच में मुख्य अंतर है। इसलिए चलिए इसका पार्श्व दृश्य बनाते हैं, ताकि हम इसकी गहराई या ऊंचाई को दर्शा सकें। क्यूबॉइड्स या घनाभ के आयताकार फलक होते हैं, इसलिए आगे के फलक के लिए एक रेक्टेंगल बनाते हैं। अब इसके पीछे एक और समान आकार का रेक्टेंगल बनाएंगे, दूसरा रेक्टेंगल पीछे का फलक होगा। इसे सामने वाले फलक से अलग दर्शाने के लिए उसे थोड़ा ऊपर और थोड़ा सा साइड में बनाएंगे। अब हम इसे 3D शेप दर्शाने के लिए आमने सामने के किनारों को जोड़ेंगे, ये गहराई या ऊंचाई है। अब हम सभी फलकों किनारों को इस दृश्य बिंदु से नहीं देख सकते हैं, इसलिए हमें उन किनारों को हटा देना चाहिए जो एक विशेष ओर से देखने पर हमें दिखाई नहीं देती है। यदि हम अपनी ड्राइंग की असली वस्तु के साथ तुलना करें तो हम आसानी से ये जान जाएंगे कि वो कौन से किनारे हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। नीचे का फलक, पीछे का फलक और पार्श्व फलक यानी कि साइड फेस, ये डॉटेड लाइंस उन किनारों को दर्शा रही हैं जिन्हें हम नहीं देख सकते हैं। तो अब आप जान गए हैं कि घन और घनाभ यानी कि क्यूब और क्यूबॉइड के 3D मॉडल को पेपर पर कैसे बनाया जाता है। जिस तरीके का इस्तेमाल हमने किया है उसे ऑब्लिक ड्राइंग मेथड कहते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। बाय बाय बच्चों।